Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel SuccessJK247. So students, as I promised you कि जल्द ही मैं आपके जो MCQs की मैंने सीरीज एक स्टार्ट करी हुई है जनरल साइंस की, उसके 300 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कर दूंगा. सो स्टूडेंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स के आपके दो पार्ट्स, केमिस्ट्री के दो पार्ट्स और आपका बायो का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. जिन बच्चों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाके उन पार्ट्स को देख लेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर लेंगे. क्लियर? सो वो सारे के सारे क्वेश्चन और जो क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, सारे के सारे पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन हैं और मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से ही आपका पूरा का पूरा जो उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है आप लोगों को पता है कुछ बच्चों को पहले से, कि क्लियर कर देता हूँ. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 20-22 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ. सो टुडेज टॉप 100 MCQs फिजिक्स पार्ट 3. सो विदाउट एनी डिले लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 1. Here your question number 1. The element of an electric heater is made of. So students, ये question तो मुझे लगता है chemistry के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ लिया और फिर ये physics के अंदर आ गया, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये question कितना important है. Important क्यों है? क्योंकि हमारी day to day life से concerned है. आप लोग electric heater घरों में use करते हो, clear? Electric iron आप लोग use करते हो, कपड़े प्रेस करने के लिए जो आप यूज करते हो, तो उसका जो एलिमेंट है वो क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो क्या होता है आपका नाइक्रोम. कौन सा होता है? नाइक्रोम. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नाइक्रोम. और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर आपका हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर? तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके इफेक्ट्स को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उन चीजों में हम लोग ये डिस्कस करते हैं. आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन होगी, आप लोगों ने देखा होगा कुछ चीजें जो है वो गर्म होने के बाद ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, बट ये जो एलिमेंट होता है प्रेस का कभी ऐसा नहीं होता. सो स्टूडेंट्स, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में. क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर योर क्वेश्चन नंबर 2. At what temperature are the temperature on Celsius and Fahrenheit scales equal? So students, आपको ये पता होना चाहिए आपके जो temperature को measure करने के different आपके parameters हैं. Clear? First one ये आपका Celsius, तीन हम लोग mainly use करते हैं. Second one is your Fahrenheit. Third is your जो हम लोग use करते हैं आपका Kelvin. और इनका आपस में रिलेशन होता है उसकी बेसिस पे ही हम लोग बता पाते हैं कि इनका रिलेशन आपस में किस तरह से, किस टेम्परेचर के ऊपर दो स्केल्स हमारे इक्वल होंगे. तो इसका रिलेशन आप लोग नोट कर लेंगे. राइट ऑन स्टूडेंट्स, इस तरह से होता है, ये C/5 इज इक्वल टू एफ माइनस, सॉरी सी बाय काट देते हैं यहां से, C/5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइड में आता है इसका 9. और इसी को अगर जब हम लोग केल्विन से हमें कंपेयर करना तो हम लोग इस तरह से करते हैं K-273 डिवाइडेड बाय 5. क्लियर? तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, सी स्टैंड्स फॉर सेल्सियस, एफ स्टैंड्स फॉर फ़ारेनहाइट एंड के स्टैंड्स फॉर केल्विन. तो मतलब अगर आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे, इस ये वाला सेट यूज करोगे. अगर फ़ारेनहाइट को आपने केल्विन से कंपेयर करना है तो आप ये वैल्यू यूज करोगे. अब उसने पूछा क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पे इक्वल होंगे. क्लियर? तो अब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल होनी चाहिए. तो क्लियर, हम लोग यहां से निकाल सकते हैं. तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है सी और एफ की, तो हम एफ की जगह सी को रख सकते हैं. तो कैसे करेंगे, देखो C/5 इज इक्वल टू एफ की जगह सी को रखेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9C इज इक्वल टू 5C माइनस 32 को 5 से करोगे तो 160 आएगा. सो इस साइड लेके आओगे तो ये बनेगा आपका 4C इज इक्वल टू माइनस 160, C इज इक्वल टू नेगेटिव 40. क्लियर? अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, क्योंकि हमने इसको सेल्सियस में कैलकुलेट किया है, सॉरी ये वाला आंसर होगा इसका, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके जो टेम्परेचर है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, दे आर इक्वल. क्लियर? इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया. स्टूडेंट्स, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उस नोटबुक के ऊपर आपके ये दोनों फॉर्मूला पूरे को पूरा लिखा होना चाहिए. क्लियर?
आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छी चीज आपको सिखाई मैंने। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर। सो स्टूडेंट्स ये सीधा सीधा स्टैटिक का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने काफी ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वेंशन की थी, बट जो उनको नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब ये इफेक्ट क्या होता है काफी डिटेल का बड़ा टॉपिक है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको एनसीईआरटी की बुक्स पूरी की पूरी जनरल साइंस इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी करवा दूंगा ए टू जेड, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो। बट बिफोर दैट आप लोग अपना क्लास फोर्थ, अपनी आर्मी एसएससी जीडी के सभी पेपर्स की जेकेपी की तैयारी अच्छे से करें, उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर योर क्वेश्चन नंबर फोर, एंड क्वेश्चन इज सेइंग किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ। सो स्टूडेंट्स ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस करा हुआ है फिजिक्स के अंदर, किलोवाट आर, क्लियर, जिसमें हमने देखा था 1 किलोवाट आर की हमने जब वैल्यू निकाली थी तो वो आई थी 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। तो जूल को देखो आपको समझ आ गया होगा जूल किसके यूनिट होते हैं, एनर्जी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर इसीलिए एग्जाम में पूछता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। जैसे आपको पता है पावर के यूनिट होते हैं वाट, तो बच्चा सोचता है यार वाट लगा हुआ तो चलो पावर मार्क कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। आर देखते हैं तो कोई कोई टाइम को टिक कर देता है, नो, किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये मैंने आपको बता दिया। और 1 किलोवाट आर में इतने जूल्स एनर्जी होती है, 3.6 × 10⁶ जूल। और ये आता कैसे है मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, डिटेल में आपको बताया हुआ है, क्लियर, तो वहां से आप लोग इसको चेक कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 5 क्वेश्चन होगा आपका, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। तो अब आपने बताना है ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन छोटे बच्चों वाला है, बट इसमें कुछ चीजें डिस्कस करने वाली हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर बेसिकली है क्या। तो आपको पता है एटमॉस्फेयर जो हमारा है, एटमॉस्फेयर की सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है कि इसी की वजह से जो है अर्थ के ऊपर लाइफ आपकी पॉसिबल है, क्लियर। बाकी भी प्लैनेट्स हैं वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, दैट्स व्हाई वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। सो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, डिस्कस करा था हमने एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, है ना। तो अब ये जो ओजोन लेयर होती है ये एटमॉस्फेयर की जो आपकी लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये लेयर पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है बायोलॉजी के अंदर। ओजोन लेयर ओजोन लेयर लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स, तो उसमें आपका आंसर आपने टिक करना होता है स्ट्रेटोस्फीयर। सो स्टूडेंट्स ओजोन लेयर लाइज इन स्ट्रेटोस्फीयर, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और जिसका हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं O3, क्लियर, O3। और ये हमें बचाती किससे है, ये हमें बचाती है सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं, क्लियर, जो हमारी स्किन के लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। सो ओजोन लेयर इज गुड फॉर अस, बट सिर्फ इसी वे में अगर आपको ये लगता है कि ओजोन लेयर को, ओजोन जो गैस है उसको अगर हम इनहेल करेंगे तो हमें अच्छा फील होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक पॉइजनस गैस है, इसको इनहेल करने से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर हो सकती है, क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर योर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड लेड आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है। तो मैं इस चीजों को रिलेट करके आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स जो हम लोग घरों में वायर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो सारी की सारी किसकी यूज होती है, मैक्सिमम जो होती है कॉपर की। आपने देखा होगा गोल्डन सा इसका एक टाइप का कलर होता है, कॉपर वायर जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लियर, ये वायर आपकी घरों में यूज होती है। सो अब ऐसा नहीं है कि यही सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसको इसलिए यूज किया जाता है, एक तो ये थोड़ी सी चीप होती है, क्लियर, इसलिए इसको यूज किया जाता है। अब बेस्ट कंडक्टर जो है इनमें से जो है सबसे ज्यादा अगर कोई मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वो आपका क्या है, सिल्वर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सिल्वर। सिल्वर के बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड नंबर पे जो बेस्ट कंडक्टर है आपका दैट इज गोल्ड, देन आपके बाकी वाले आते हैं कॉपर, आयरन एंड
लेड वगैरह, ठीक है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन दोनों को यूज क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपको पता है गोल्ड की वायरिंग आप लोग अपने घरों में करोगे तो बाकी वाले तो छोड़ो, आपके हो सकता है नियर डियर जो है वो ही आपके घर में चोरी करने आ जाए, क्लियर। सो इसलिए हम लोग कौन सी वायरिंग घर में यूज करते हैं, कॉपर। तो आपने ये भी क्वेश्चन याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर इज यूज इन द वायर्स ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस या फिर इन द डोमेस्टिक सप्लाई, तो आप लोग लिखोगे कौन सी वायर, कॉपर वायर, क्लियर। बट वो जो आपकी बड़ी वाली लाइन होती है, जो मेन लाइन होती है ट्रांसफार्मर के साथ अटैच्ड सिल्वर कलर की, देखिए होगी आपने वायरिंग, बड़ी बड़ी मोटी मोटी तारें होती हैं, वो आपकी क्या होती है, एल्यूमिनियम होती है, क्लियर। वो क्या होती है, एल्यूमिनियम होती है, क्लियर। सो ये जो डे टू डे लाइफ की चीजें हैं ना, इनके बारे में आप थोड़ा सा सोचा करें, चीजों को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें, तो सो दैट कि आपका जो ये जो जनरल साइंस का टॉपिक है आपको मजा भी आए इसको पढ़ने में, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। सो स्टूडेंट, डिस्कवर्ड किसके द्वारा क्या किया गया था, इसका मैं एक आध क्वेश्चन जरूर लाता हूं, क्योंकि आपका जो अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें अलग से मेंशन किया है उन्होंने एक टॉपिक इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। सो स्टूडेंट्स, एक्सरेज की जो इन्वेंशन की गई थी वो की गई थी इनके द्वारा, रोइंटगन इनका नाम है, आप लोगों ने याद रखना है, क्लियर। तो उसमें कुछ जानने वाला ज्यादा है नहीं, एक टाइप की रेज होती है, क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर विल द डेंसिटी ऑफ वाटर बी मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो मैंने बोला है आपको आंखें बंद करके, आप लोग मान लीजिए कि आएगा ही आएगा किसी ना किसी पेपर में, जो अभी आने वाले पेपर लाइनअप है, SSC GD है आपका, BSF JKP और क्लास फोर्थ और अकाउंट असिस्टेंट, इनमें से एक आध पेपर में तो क्वेश्चन ये आना ही आना है। तो इसका आंसर आप लोगों ने याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। इस पे जो है वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम ये शो करता है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, पहले भी बताया हुआ है, डेंसिटी जो होती है आपकी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। मास की अगर हम लोग बात करें इसके ऐसे यूनिट होते हैं KG, वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो इसके यूनिट होते हैं सही मीटर क्यूब। सो स्टूडेंट्स, एक मीटर क्यूब के अंदर कितना मास कोई चीज कंटेन करती है उस चीज को हम लोग बोलते हैं उसकी डेंसिटी। अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले तो जिसको आप लोग घनत्व बोलते हो ना, कितनी कोई चीज घनी है, क्लियर, तो उस चीज को हम बोलते हैं उसकी डेंसिटी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ अ बॉडी इज, योर ऑप्शंस आर द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मैक्सिमम एट द पोल्स, मैक्सिमम एट द इक्वेटर, मोर ऑन द हिल्स देन इन प्लेन्स। सो स्टूडेंट्स, उसने ये पूछा है कि किसी भी बॉडी का जो वेट है वो अर्थ के पूरे सरफेस के ऊपर कैसे चेंज होता है। सो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से आप लोग हम लोग पढ़ते हैं अर्थ को, एक आपकी एक्लिप्स टाइप की अर्थ जो है ये होती है, क्लियर। इन दो पॉइंट्स को बोलते हैं हम लोग पोल्स, ऊपर वाले को पी लिख देता हूँ पोल, और ये आपका क्या है, इक्वेटर, जो बच्चों ने ज्योग्राफी वगैरह डिटेल में पढ़ी हुई है उनको ये पता है, क्लियर। अब वो पूछ रहा है कि इन चीजों का क्या कोई फर्क पड़ता है जब आप अर्थ के सरफेस पे आप चेंज करते हो पोजीशन अपनी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेट हम किसकी बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में वो देख लेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर दे दूंगा। सो स्टूडेंट्स, वेट जो होता है हम लोगों ने वहां पे देखा था, वेट हमारा किसके बराबर होता था, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर। ये जो जी है इसकी जो वैल्यू है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर क्या रहती है, बराबर, क्लियर। हमने पढ़ी थी कितनी, 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2, क्लियर। लेट मी चेंज द इंक, यस। तो अब देखो ये जो जी की वैल्यू है, यहां से आप लोगों ने एक फैक्ट और सीख लेना है, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं जी की वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, क्लियर, सॉरी, जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे जी की वैल्यू आपको पता है बढ़ेगी, मास जो है ये कांस्टेंट रहता है, जो आप एक्चुअल में मेजर करके आते हो 70 kg 60 kg वो आपका क्या होता है, मास होता है, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू एज यू कीप ऑन गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस, सो आपका वेट भी जो है उसके साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज। तो आप लोग बोल सकते हो कि जो वेट ऑफ द बॉडी मैक्सिमम कहाँ होगा आपका, एट द
पोल्स, पोल्स के ऊपर जो वेट है बॉडी का वो मैक्सिमम होता है। क्लियर? तो ये जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां कैसे होती है, कम होती है, हम किसी और क्लास में इसको डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, सो स्टूडेंट्स यूनिट्स मैंने आपको पहली क्लास से बता रहा हूं कि फिजिक्स हो का जो पूरा आपका सब्जेक्ट है इसमें यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है। सो स्टूडेंट्स पार्सेक के यूनिट जो है इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, तो ये आपको याद कर लेना है सीधा सीधा। क्लियर? सो पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, तो इस तरह से आपका कोई वाटर का कंटेनर है, हाउ विल द वाटर लेवल बी अफेक्टेड बाई मेल्टिंग ऑफ दिस आइस क्यूब। अच्छा ये क्वेश्चन है कि पानी है उसके अंदर एक बर्फ का पीस आपने डाला हुआ है, तो वो क्या होगा आपका, थोड़ा पानी में डूबा होगा, थोड़ा बाहर आप लोगों ने देखा हुआ है, तो आपने बताना है जैसे वो बर्फ मेल्ट होगी घुलेगी तो उससे आपका जो वॉल्यूम है पूरे के पूरे पानी का वो बढ़ेगा या कम होगा। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बड़े सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत पेपर में मार्क करके आते हैं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, इसके बाद आप लोग कभी भी गलत नहीं करोगे। आपको लगता ये है कि यार इसका आंसर जो है वाटर लेवल राइज करना चाहिए, दिमाग में एक सेकंड के लिए आ जाता है, क्यों, क्योंकि बर्फ जब मेल्ट होगी तो वो कुछ ना कुछ पानी बढ़ेगा, बट स्टूडेंट्स ऐसा होता नहीं है, जो वाटर का लेवल होता है वो सेम रहता है। क्या रहता है? सेम, क्यों, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी है, फिर जो डेंसिटी है जैसे जैसे वाटर ये बर्फ आपकी घुलेगी तो ये लेवलिंग पे आना भी स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वही चीज जो है वही तो घुलेगी, उसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है, जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। सो इस केस में आपका क्या होता है, जब भी बर्फ आपकी मेल्ट होती है पानी के अंदर तो वाटर का जो लेवल है वो चेंज नहीं होता, ये आपने याद रखना है, ये आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल पेन, जो आप लोग यूज करते हो वॉल पेन, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आपने बताना है विस्कोसिटी, बॉयल्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिलैरिटी एंड सरफेस टेंशन। तो स्टूडेंट्स वॉल पेन की आप लोगों ने खास बात देखी होगी, जब आप लिखते हो इस तरह से कुछ मैंने लिखा तो वो आपका, एक तो पहली बात है ये इंक जो है ये बराबर छोड़ता है, मतलब जो भी ये जो मैंने डॉट बनाया ये किस तरह का डॉट बन रहा है, स्फेरिकल डॉट बनते हैं, है ना, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा कैपिलैरिटी एंड सरफेस टेंशन के ऊपर ये वर्क करता है। क्लियर? इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर रहेगा। सरफेस टेंशन मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस की थी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे ये क्या करता है, मिनिमम वॉल्यूम कंटेन करने की कोशिश करता है। क्लियर? कैपिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका उसमें होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो दिए जलाते हैं वो जो पहले बॉटल में रखते थे, बॉटल में उसकी एक ऐसे बत्ती सी बाहर निकाली होती थी और आप लोग देखते थे कि उसकी जो तेल आपने इसमें डाला हुआ है और तेल जो होता है वो उस धागे के थ्रू क्या होता था, यहां तक रीच कर जाता था, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें गिनते हैं आपकी कैपिलैरिटी में। तो आपने याद रखना है वॉल पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलैरिटी एंड सरफेस टेंशन। ये कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफिकल्ट है समझने में, तो आप लोग डायरेक्ट इनको याद रख सकते हैं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग क्वांटिटीज इज स्केलर। सो स्टूडेंट्स ये बेसिक सा टॉपिक है, आपका पता है फिजिक्स के अंदर दो तरह की आपकी क्वांटिटीज होती हैं, एक को हम लोग स्केलर गिनते हैं, एक को गिनते हैं वेक्टर। रट्टा आपने छोटी क्लासेस से मारा हुआ है कि स्केलर होती है दैट हैड ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी क्या होती है, डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होती है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन मैटर करती है बट वर्क की डायरेक्शन मैटर नहीं करती, सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिटेल में इनके बारे में आपको फिर किसी लेक्चर में जब एनसीईआरटी की बुक्स में आपको पढ़ाऊंगा तब उसमें डिस्कस कर लेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। क्लियर? तो आपने बताना है कि इनमें से जो है नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है अर्थ के। तो आपको पता है सोलर सिस्टम के बारे में टोटल प्लैनेट्स 9 थे, अब प्लूटो को बाहर निकाल दिया है, प्लूटो को हम लोग किस में गिनते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट में। ड्वार्फ मतलब होता है अपाहिज, जिसकी पूरी ग्रोथ ना हुई हो, क्यों, क्योंकि ये
कुछ प्रॉपर्टीज, सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है प्लैनेट की नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, दैट्स वाई इसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया है। ऐसा नहीं है कि वहां से हट गया, ये है वहीं पे है इसकी पोजीशन, बट प्लैनेट की कैटेगरी में हम लोग इसको अब नहीं रखते हैं। तो आपको पता है इस तरह से सोलर सिस्टम है, सेंटर में आपका सन है, उसके बाद आपकी आती है सन के बाद आता है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपट्यून, एंड फिर आता था आपका प्लूटो। क्लियर? तो आपको ये बताना है कि नियरेस्ट टू द अर्थ कौन है, तो देखो इन दोनों में से ही कोई होगा, वीनस और मार्स में से। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है मार्स इज मच क्लोजर देन वीनस टू द अर्थ। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आपका मार्स। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्यूटर के अंदर भी पढ़ाया था, तो मैंने बताया था आपको कि आईसी जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो होती हैं, आईसी के फुल फॉर्म आप लोग यहां से लिख लेना, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर? इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनती है। सेमीकंडक्टर दोज कंडक्ट द करंट पार्शियली, वो पूरा का पूरा करंट अपने में से पास नहीं होने देते, कुछ करंट को रजिस्ट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका सिलिकॉन। क्लियर? तो यही आपका वो सेमीकंडक्टर है जिससे आपके इंटीग्रेटेड सर्किट बने होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेइंग अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस। सो आपको पता है स्टूडेंट्स जो चार्ज होता है वो कहाँ किस केस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी के केस में होता है, मतलब एक फील्ड तो ये प्रोड्यूस करता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट आपने याद रखना है जैसे ही ये मूव करना शुरू कर देता है तो ये अपने साथ साथ कौन सी फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर देता है। तो आपने याद रखना है मूविंग चार्ज, अगर स्टैटिक चार्ज होता, चार्ज मूव नहीं कर रहा होता, तो आपका आंसर होना था ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जब ये मूव कर रहा है तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? सो ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सरफेस टू सरफेस मिसाइल दैट इज मेड इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा आपका पृथ्वी, ये आप लोग याद रख लेना। सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो आपकी सरफेस से सरफेस एरिया को हिट करती है उसमें आती है आपकी पृथ्वी मिसाइल। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूट्रस इज फाउंड यूजिंग। तो आपको पता है जब यूट्रस के अंदर बेबी होता है उसकी ग्रोथ किसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे होती है। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका अल्ट्रासाउंड। पता है आपको, आप लोगों ने बड़ी बार देखा होगा कि आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करवा सकते लीगली कि वेदर इट्स अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल। सो वहां से आप लोग लिंक करके समझ सकते हो कि ये किससे हम लोग टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड से। क्लियर? आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक्स एवरीवन। सो स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पे आप हमारे साथ लिंक होने के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना एक मैसेज छोड़ देना कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, वहां आपको सारे के सारे लेक्चर्स की पीडीएफ और आपको वीडियोस, पुरानी वीडियोस के लिंक भी वहां पे मिल जाएंगे। क्लियर? सो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।